तो कैसे आप लोग। मैं एक बार फिर से द रेट फाइट करियर सर्विस की तरफ से अमित सर मैथ्स का लेक्चर लेकर आया हूँ। आज मैं जो लेक्चर लेकर आया हूँ क्लास 11th का, ठीक है। क्लास 11th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अलजेब्रा का, बाइनोमियल थ्योरम। आज मैं इसको डिस्कस करूंगा आप लोगों के सामने, आप सिर्फ ध्यान देना, है ना। बहुत मजेदार टॉपिक भी है ये। टॉपिक जो है आप हर यूनिट में, 11th के हर यूनिट में और 12th के लगभग यूनिट में आपको जरूरत पड़ती है ना। तो आज मैं डिस्कस करने के लिए जा रहा हूं बाइनोमियल थ्योरम। तो चलो फिर देखो, तो बाइनोमियल का मतलब क्या होता है। सबसे पहले बाइनोमियल, ये जो वर्ड है ना बाइनोमियल, ये वर्ड कुछ नया नहीं है। जूनियर क्लास में आप सभी लोग जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े होंगे तो वहां पर आप लोगों को सिखाया गया होगा मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है, पॉलीनोमियल। तो ये बाइनोमियल वही चीज है, ठीक है। जैसे मैं बात कर रहा हूं, बाई का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब होता है टू, बाई का मतलब क्या होता है टू। और नोमियल का मतलब क्या होता है, नोमियल का मतलब होता है टर्म। नोमियल का मतलब क्या होता है टर्म। तो बाइनोमियल का मतलब ये है जिसमें दो टर्म हो, जिसमें क्या टर्म हो, दो टर्म हो। इसे मैं बोल रहा हूं एक्स प्लस वाई, ध्यान से आप समझना। तो ये अगर एक्स प्लस वाई लिख रहा हूं तो ये दो अलग अलग डिफरेंट टर्म है। अगर मैं लिख देता एक्स प्लस टू एक्स, ठीक है, तो देखो आप एक्स प्लस टू एक्स ये क्या है, सेम टर्म है, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, जब ऐसे टर्म को हम लोग दो टर्म नहीं बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो थ्री एक्स हो जाएगा ओनली वन टर्म, ठीक है। तो बाइनोमियल का मतलब होता है वैसा टर्म जिसमें दो डिफरेंट टर्म होते हैं, जैसे एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस थ्री वाई स्क्वायर, कुछ भी एग्जाम्पल के तौर पर आप कुछ भी ये सब ले सकते हो, जिसमें आपको डिफरेंट टर्म होने चाहिए, जो एक फैमिली के नहीं होने चाहिए, दो अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो ये सब अलग अलग फैमिली है। तो ऐसे टर्म्स को हम लोग बोलते हैं बाय नोमियल, मतलब जिसमें दो टर्म कंसिस्ट होते हैं, डिफरेंट दो टर्म कंसिस्ट होते हैं, वो क्या कहलाते हैं बाइनोमियल। तो बाइनोमियल थ्योरम में जानने से पहले ये बाइनोमियल टर्म आपको जानना बहुत जरूरी था, और मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि जिसमें तो डिफरेंट टर्म होते हैं, ठीक है। और ऐसे टर्म जो होते हैं वो मर्ज हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है वो सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइनोमियल नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे मोनोनोमियल। ठीक है, तो इसको समझना था। दूसरी टॉपिक है, अब हम समझते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है। बाइनोमियल थ्योरम के बारे में हम जानते हैं कि क्या होता है, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या है, जैसे कि आप जूनियर क्लास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़े होंगे, ए प्लस बी का पावर जीरो, ठीक है, ए प्लस बी का पावर जीरो कितना होता है, ए प्लस बी का पावर वन कितना होता है, ए प्लस बी का पावर टू कितना होता है, ए प्लस बी का पावर थ्री और ए प्लस बी का पावर फोर, है ना। तो क्लास मतलब 7-8 से ही आप लोगों को सिखाया जाता था कि ए प्लस बी का पावर जीरो क्या होता है, ए प्लस बी का पावर वन क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सिखाया गया होगा, ए प्लस बी का होल पावर थ्री सिखाया गया होगा, ए प्लस बी का पावर होल फोर भी लोग डिस्कस कर लेते हैं मल्टीप्लाई के थ्रू। तो जैसे इसकी वैल्यू क्या होती है वन, क्योंकि आपको पता है कि किसी का पावर जीरो वैल्यू क्या होता है वन। ए प्लस बी का पावर अगर वन है तो ये क्या होता है, ए प्लस बी होता है, ठीक है। ए प्लस बी का पावर स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ए प्लस बी का होल पावर क्यूब तो ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब,
ये सब हम लोग याद कर चुके थे, ठीक है। अब a प्लस बी का पावर 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, a प्लस बी का पावर होल क्यूब कर दीजिए और उसमें a प्लस बी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे इसका रिजल्ट आ सकता है। नहीं तो एक बार क्या कर सकते, a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर को सॉल्व करके हम लोग निकालते थे। बट मुझे ये चीज नहीं सिखाना, मुझे आपको बताना है कि इसे हम लोग बायनोमियल थ्योरम के थ्रू एक्सपेंड कैसे करते हैं, है ना। आखिर ये बायनोमियल थ्योरम है क्या, तो याद रखना जिस दो टर्म का पावर होल हो, होल नंबर हो, ठीक है, जिस दो टर्म का पावर क्या हो, होल नंबर हो, जैसे a पावर a प्लस b का पावर 0, 0 एक होल नंबर होता है, a प्लस b का पावर 1, a प्लस b का पावर 2, a प्लस b का पावर 3, a प्लस b का पावर 4, ये सारे क्या है, होल नंबर है, तो इसे हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। ओके, मतलब जिस दो टर्म का पावर होल नंबर होता है और उसका एक्सपेंड हम लोग करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। ओके, समझ में आ रहा होगा पूरी बातें। अब आप ध्यान से समझो, ये चीज जो मैंने अभी आपको जूनियर क्लास में जो आप लोगों ने याद कर रखा था, एक तरीके से इसको समझने की कोशिश करो। देखो ये पावर कितना था, 0, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1, इसमें a प्लस बी का पावर कितना है, 1, तो इसके टर्म कितने मिले, 1, 2, ठीक है, a प्लस बी का पावर 2 है, इसके टर्म कितने हैं, 1, 2, 3, ध्यान से समझो जो कि मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, a प्लस बी का पावर 2, इसके दो कितने टर्म, 1, 2, 3, 4, इसी तरीके से अगर 4 का एक्सपेंड करते हम लोग तो हमारे पास देखो ऐसा कुछ आता है, एक यहां पर a का पावर 4 आता, एक b का पावर 4 आता और बीच में 3 टर्म मिलते, है ना। ये तो समझ में आ गया कि जितना पावर होता है उससे एक्स्ट्रा टर्म हम लोगों को मिलता है, है ना। अब एक चीज और समझने वाली चीज है, अब देखो a प्लस बी तो a का स्क्वायर, उसके बाद देखो a का पावर यहां घटा, a का पावर क्या हो गया, घट गया, ठीक है, और b का पावर यहां पर क्या, मान लो यहां पर क्या है, b का पावर एक तरीके से देख लो तो 0 ले सकते हैं हम लोग, b का पावर अगर 0 है तो यहां b का पावर क्या हो गया, 1, अब यहां a का पावर 1 था, अब यहां a का पावर 0 हो गया, क्योंकि किसी का पावर का वैल्यू 0 उसका आंसर 1 होता है, और b का पावर बढ़ चुका है। फिर से अगले टर्म में आप देखो a का पावर क्या था, q, तो a का पावर q, ठीक है, उसके बाद a का देखो फिर से पावर घटा, a का पावर स्क्वायर, फिर a का पावर घटा, a का पावर यहां 1, अब फिर a का पावर घट गया और b का पावर क्या हो रहा है, बढ़ते हुए जा रहा है, यहां a का b का पावर 0 ले सकते हो फिर से, तो यहां b का पावर 1, b का पावर 2, b का पावर 3। इस सीरीज को समझने के लिए ये जो फॉर्मूला जो आप लोगों ने याद कर रखा है इसमें ये दो चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए तो आप किसी का भी सॉल्यूशन कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैं बात कर रहा हूं इसके कोफिशिएंट को भी छोड़ देता हूं, इसका जो कोफिशिएंट है उस पर मैं बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं कि जो उसकी जो पावर है, जो अरेंजमेंट है, जो मैथमेटिकल पैटर्न के थ्रू ये फॉलो होते हुए चल रहा है आप उस पर नोटिस करो, ठीक है। जैसे a का पावर 4, मान लो कोई भी और कोफिशिएंट आ गया इसके साथ, a का पावर तो घटेगा और b का पावर बढ़ जाएगा, फिर क्या होगा, a का पावर फिर घटेगा, a का स्क्वायर हो जाएगा, b का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a का पावर क्या होगा, 1 होगा और b का पावर q होगा, अब प्लस यहां पर तो जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो देखो जो पैटर्न इसमें फॉलो होते हुए आ रहा था उसके थ्रू ये बनेगा ही बनेगा, एक तो a का पावर 4 होगा लास्ट में, a का पावर 2 होगा। अब बात कर रहे हैं कि इसके कोफिशिएंट, इसके कोफिशिएंट को कैसे डिसाइड किया जाए, तो उसके लिए जब बायनोमियल थ्योरम पढ़ाया जाता है तो उसके लिए एक आपको छोटी सी टॉपिक होती है पास्कल ट्रायंगल, ठीक है। तो पास्कल ट्रायंगल जानने के लिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, देखो पास्कल ट्रायंगल होता क्या है, पास्कल ट्रायंगल ध्यान से समझना, बहुत आसान सा है, इसे अभी फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे, a प्लस बी का पावर 1 क्या होता है, a प्लस बी, तो a प्लस बी का पावर 0 पड़े इसकी तो वैल्यू 1 होती है, उसके बाद a प्लस बी का पावर 2 क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर,
फिर ए प्लस बी का पावर होल क्यूब जब पढ़ा तो क्या हो गया ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी का पावर जब होल फोर मैं निकालकर अभी आपको दिखाऊंगा पास्कल ट्रायंगल के थ्रू, आखिर इसको पास्कल ट्रायंगल क्यों बोलते हैं। तो अभी ध्यान दो, इसका कोएफिशिएंट क्या है वन, इसका कोएफिशिएंट क्या है वन वन, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं तो इसका कोएफिशिएंट वन होगा वन वन। अब इसका जो थर्ड वाला जी जो इसका जो कोएफिशिएंट है हर वेरिएबल के साथ में जो कोएफिशिएंट है, जैसे इसका वन कोएफिशिएंट, इसका क्या है वन कोएफिशिएंट, इसको मैंने रो अरेंज कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं रो की तरह अरेंज कर रहा हूं, जैसे ए स्क्वायर उसका कोएफिशिएंट क्या है वन, तो फिर मैंने वन लिखा, फिर इसका कोएफिशिएंट क्या है ए बी का टू, फिर क्या है वन, ध्यान से आप सुनना ठीक है। अब इसकी इसकी थर्ड वाले की देखो, इसका कोएफिशिएंट वन तो रहेगा, फिर यहां रहेगा थ्री, ये भी थ्री और फिर वन। अब आप समझो देखो ये वन इसका और इसका सम किया गया तब बीच वाला टर्म आया, जब नोटिस किया गया कि उसके कोएफिशिएंट क्या क्या रिलेशन क्या पैटर्न फॉलो किया जा सकता है, तो देखो वन प्लस वन टू, फिर देखो जब अगला टर्म फोर्थ जब हमको ये थ्री लाना था, देखो इस दोनों का सम और इस दोनों का सम जब किया गया तो ये कोएफिशिएंट आ गया, और फर्स्ट और लास्ट का कोएफिशिएंट हमेशा वन रहता है, फर्स्ट और लास्ट का कोएफिशिएंट हमेशा क्या रहता है वन रहता है, वो तो लिखना ही पहले ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं जब ए का पावर ए प्लस बी का पावर फोर करेंगे, अभी जब हम एक्सपेंड किए थे इसके डिग्री के थ्रू तो क्या आया था ए का पावर फोर प्लस ए क्यू बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी की प्लस बी का ए का पावर बी का पावर फोर, ठीक है। अब बात करें इसके कोएफिशिएंट कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखो यहां तो वन रहे नहीं रहेगा, इस दोनों का सम करेंगे कितना आएगा फोर, फिर इस दोनों का सम करेंगे कितना आएगा सिक्स, इस दोनों का सम करेंगे कितना आएगा फोर, और फिर वन लास्ट का कोएफिशिएंट करेंगे, ठीक है। तो जब नोटिस किया गया तो ये बना एक ट्रायंगुलर फॉर्म, ठीक है, इसीलिए इसे बोला जाता है पास्कल ट्रायंगुलर। तो ये कैसा इसका जो कोएफिशिएंट डिसाइड हो रहा है वो कैसे हो रहा है, इजी तरीका से, तो क्या बना देखो यहां पर वन कहीं यहां फोर आ गया, फिर यहां फोर सिक्स हो चुका है, यहां फोर हो चुका है। जब आप ए का पावर फोर करोगे फाइव करोगे तो फिर से वन इस दोनों का सम, इस दोनों का सम देखो वन, इस दोनों का सम कितना है फाइव, इस दोनों का सम कितना है ए, इस दोनों का सम कितना है ए, इस दोनों का सम कितना है फाइव, और फिर लास्ट में वन। तो जब इसकी कॉम्पिशन, अब बाकी आपको पता है कि इसकी डिग्री पहले क्या होगी, ए का पावर फाइव होगा, फिर पावर घटता जाएगा ए का, बी का पावर बढ़ता जाएगा, है ना, और लास्ट जहां तक जाएगा बी का पावर हाइएस्ट जो पावर एन होता है। तो ये था पास्कल ट्रायंगल, इससे भी इस ट्रायंगल के अनुसार भी इस पैटर्न के फॉलो करते हुए भी आप इस तरीका से इसको एक्सपेंड कर सकते हो जितने भी मिलेंगे, लेकिन ये कब तक आप करते रहोगे, कब तक ये अरेंजमेंट करते रहोगे, तो इसके लिए ये जो पास्कल ट्रायंगल है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं एक बाइनोमियल थ्योरम, जो हम लोग इसका एक जनरल टर्म डिसाइड करेंगे ए प्लस बी का पावर एन, अगर एन के लिए जो टर्म फॉलो करता है, जैसे आप देखो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये बाइनोमियल थ्योरम जो है वो जनरल टर्म कैसे इसका डिसाइड करेंगे। तो आपको एक छोटी सी टॉपिक पढ़नी है फैक्टोरियल, तो उसको मैं कल डिस्कस करूंगा कल के वीडियो में, अभी आप सिर्फ ये देखो कि पास्कल ट्रायंगल के थ्रू आप कहां तक जा सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ए प्लस बी जो बाइनोमियल थ्योरम है उसके जनरल टर्म को हम लोग डिसाइड करेंगे, और फिर ए प्लस बी का पावर 20, ए प्लस बी का पावर 25, जैसे अभी हम नहीं कर सकते ए प्लस बी का पावर 5 तक की, 6 तक करेंगे 7 तक करेंगे, लेकिन अगर आपसे कोई बोल दे कि ए प्लस बी का पावर 30 का निकालिए, तब वहां पर हम लोग इस बाइनोमियल जो इसका जनरल टर्म जो हम निकालने के लिए आपको सिखाएंगे उससे डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो फिर, थैंक यू।